पास है चिकन, मशरूम्स, प्याज, थोड़ी सी क्रीम और कुछ मसाले एंड हर्ब्स। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन इन क्रीमी मशरूम सॉस। मैं हूं आपकी होस्ट तंदूर सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आउट ऑफ पैशन। इस कॉम्प्लिकेटेड साउंडिंग रेसिपी में हम कुछ यूज करने वाले हैं सिंपल से मसाले और चीजें जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। तो शुरू करते हैं चिकन को मैरिनेट करने से। मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम्स ऑफ चिकन विच इज बोनलेस चिकन थाई। आप चाहें तो बोनलेस चिकन ब्रेस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट द रीजन आई एम यूजिंग चिकन थाई इज बिकॉज द थाईज आर मोस्ट सकुलेंट एंड जूसीएस्ट पार्ट ऑफ द चिकन। 500 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन थाई, इसको हम सीजन करेंगे थोड़े से सॉल्ट के साथ, लिटिल बिट ऑफ पेपरिका, एक चम्मच नींबू का रस, जरा सा गार्लिक पाउडर विच इज अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं फॉर अबाउट 4 to 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। And this is oregano. This is again about half a teaspoon of oregano. And some oil. आप चाहें तो olive oil भी use कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी non-fragrant, odorless oil use कर सकते हैं. Let's mix it well and keep it aside for about 10 to 15 minutes. चिकन ग्रेवी मशरूम सॉस इज अ कंफर्ट फूड एंड इट्स अ वन पॉट रेसिपी। तो इस वन पॉट रेसिपी के लिए गरम करते हैं एक पैन। इस कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल, अबाउट अ टेबलस्पून ऑफ ऑयल, और इसमें हम सौते करेंगे जो चिकन थाइज हमने मैरिनेट करी थी। पैन गरम है, तेल गरम है, अब हम इसमें सौते करेंगे वो चिकन के पीसेस जिनको हमने मैरिनेट किया था। इस पार्ट में हम चिकन को कुक करेंगे करीब 80% तक और बाकी का जो कसर है वो पूरी होगी जब चिकन कुक होगा अपने मशरूम सॉस में। इट्स बीन 5 मिनट्स दैट द चिकन हैज बीन सॉटिंग इन दिस पैन, लेट्स फ्लिप इट ओवर नाउ। चिकन करीब 8 से 10 मिनट के लिए पका है मीडियम फ्लेम्स पे। ये चिकन 80% कुक हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और फिर इसी कढ़ाई में हम बनाएंगे इसका क्रीमी मशरूम सॉस। Look at the lovely browning on the chicken pieces. अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 tablespoon ऑफ बटर, फॉलोड बाय 1 small onion विच हैज बीन चॉप्ड फाइनली। द अनियंस हैव बीन स्वेलिंग आउट फॉर अबाउट अ मिनट। नाउ लेट्स ऐड मशरूम्स। ये है अबाउट 200 ग्राम्स ऑफ मशरूम्स जिसको मैंने ऐसे आधे में काट लिया है। Mushroom has been cooking for about 2 minutes now. Time to add garlic. These are about 4 to 5 cloves of garlic which is minced finely. Mushroom pak chuka hai garlic aur onions ke saath mein kareeb 1 se 2 minute ke liye. अब टाइम है पैन को डीग्लेज करने का। डीग्लेज करने का मतलब जो भी पैन में फ्लेवर्स हैं उसको हटा के मशरूम्स मिलाने का और एक बहुत ही अमेजिंग सा सॉस बनाने का। तो हम करेंगे पैन को डीग्लेज, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 cup चिकन स्टॉक। अगर चिकन स्टॉक नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम रूम टेम्परेचर। Mushrooms have been cooking well in the chicken stock for about 2 minutes now. Now it's the time to add some milk and some cream. So let's add about 1 cup of milk and about 1/2 cup of cream.
मिल्क और करीब आधा कप क्रीम। इसको करीब 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर हम इसे सीजन करेंगे कुछ मसालों से। The mushrooms have been cooking well in the cream sauce for about 5 minutes now. Let's season the sauce with some salt and some black pepper. हम इस सॉस में थोड़ी सी चीज भी ऐड करेंगे एंड चीज इज ऑलरेडी सॉल्टी, तो हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, नॉट मच, एंड अ बिट ऑफ ब्लैक पेपर। This is about 1/2 teaspoon of black pepper. And now is the time to add the chicken we had sauteed earlier. Chicken 80% cooked है, इसको 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। बस थोड़ा सा चीज और थोड़ी सी ओरियानो एंड देन द डिश वुड बी रेडी टू बी सर्व। दिस इज अबाउट अ क्यूब ऑफ शेडर चीज। दिस गोज अमेजिंगली वेल विद योर गार्लिक ब्रेड और योर डिनर रोल्स और योर नॉर्मल मल्टीग्रेन ब्रेड। And it can be a very hearty meal for your weekdays. Gai cheese aur ye raha zara sa oregano. This is about 1/4 teaspoon of oregano. Aap chahe to isko season kar sakte hain thode se chili flakes ke saath mein bhi. कितना सम्शियस और कितना डिलीशियस लग रहा है ना ये। अनदर 2 मिनट्स एंड वी आर रेडी टू ईट। चिकन इज वेल कुक्ड, सॉस बहुत ही अच्छे से पक चुका है, सो द चिकन इन क्रीमी मशरूम सॉस इज रेडी। लेट्स डिश इट आउट। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।